हेलो फ्रेंड्स, आज इनकी एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके जो दिए गए हैं, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वाट। यहां आप लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन में 10 वाट। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक बल्ब के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो फॉर वन बल्ब क्या हो जाएगा हमारा पावर। पावर क्या होता है, पी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। कितना है पावर हमारा दिया गया है 10 वाट। यहां देखिए क्वेश्चन में हमारा दे दिया गया है 10 वाट। पावर क्या है 10 वाट। चलिए पावर दे दिया गया है एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिए गए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके क्या दिए गए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो V हो गया हमारा, ठीक है, V क्या दे दिए गए हैं आपके 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यूजिंग द रिलेशन फॉर R, रिलेशन जो होता है R के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू आपका हो जाता है V स्क्वायर बाय P। ठीक है, तो V हमारा दे दिया गया है कितना 220 वोल्ट और पावर क्या दिया गया है हमारा, पावर देखिए यहाँ 10 वाट है तो इसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हमें करना है तो 220 इंटू 220 बाई 10। ठीक है, 10 यहां से हमारे कट जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसका वैल्यू, जो हम लोग 220 इंटू 22 अगर करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाएंगे 4840। ठीक है, ये क्या आएंगे, ओम्स होंगे, इतना ओम्स या ओमेगा भी इसको आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें पता नहीं है कि कितना बल्ब है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि बल्ब की संख्या जो है x है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। लेट द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, तो हमें क्या मानना है, इसको मानना है हमें x, क्योंकि हमें पता नहीं है तो मैं x मान लेती हूं। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को समझने में इजी होंगे। आइए ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, चलिए स्पेस हम लोगों को मिल चुका है। अब देखिए हम लोगों को दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, करेंट। करेंट क्या होता है, करेंट को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको करेंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। कितना दिए गए हैं 5 एम्पियर, यहां आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, तो 5 एम्पियर हम लोगों को पता है कि करेंट है। चलिए इसको हम लोग यहाँ नोट डाउन करते हैं। एंड पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी हमें पता है, यहां देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। ठीक है,
क्वेश्चन में भी आपके दिए गए हैं, यहाँ देख लीजिए आप, 220 वोल्ट क्वेश्चन में दे दिए गए हैं आपके, तो इसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, इक्वल टू हमारे दिए हुए हैं 220 वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम लोगों को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सॉरी इसको हम लोग क्लियर थोड़ा कर लें, ओम्स लॉ क्या होता है, सभी लोग को पता है बी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब आई आर होता है, हो गया ना, अब आई आर होता है तो आर इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी बाई आई हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब R इक्वल टू वी आई हो गया तो हमारे जो दिए गए हैं, V दे दिए गए हैं, I दे दिए गए हैं, तो इससे हम लोगों का देखिए V जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 वोल्ट है और I करेंट कितना है, 5 एम्पियर है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड होगा, 44 से। ठीक है, 44 को जब 5 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 220 आता है, तो कितना हो गया, 44 ओमेगा या ओम, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं। आगे हम लोग स्लाइड इसको करेंगे, उसके बाद आगे की ओर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, स्पेस हमें मिल गया है। अब देखिए फोर, अब नाउ 4x नंबर ऑफ बल्ब, हम लोग चूंकि मान चुके हैं कि बल्ब की संख्या कितना है, x। ठीक है, तो नंबर ऑफ बल्ब जब x है तो हम लोगों को मानना होगा, मान चुके हैं, तो 4x नंबर ऑफ बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस 4840, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा या ओम्स, बार बार मैं आपको बता रही हूं, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज कितना हो गया, 44 ओमेगा। Equivalent resistance connected in parallel each 44 omega। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 1/44 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/4840 हमारा आर है। ठीक है, प्लस 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस हमें नहीं पता है कितना है। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग डॉट 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 करेंगे 2x टाइम्स, जितना वो आप लिख सकते हैं x टाइम कर देते हैं। ठीक है, x टाइम्स, ओके आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हो गया हमारा, जब हम लोगों ने ऐसा किया तो 1/44 इक्वल टू x इज x टाइम हम लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो x बाई
4840, ठीक है। अब 44x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44x इक्वल टू 4840, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे, 4840 बाय 44, ओके। अब ये जो है डिवाइड होगा हमारा 11 टाइम्स में और ये जीरो हो जाएंगे आपके, तो कितना हो गए 110, यानी 110 आपके जो x के वैल्यू आ गए, यानी बल्ब का जो नंबर था वो आपको पता हो गया है। चलिए थोड़ा सा और स्लाइड करें, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, देयरफोर आगे देयरफोर क्या हो जाएंगे, 110 बल्ब हमारे आए, बल्ब की संख्या क्या है 110, तो देयरफोर 110 बल्ब्स ऑफ 4840 ओमेगा आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन अमाउंट ऑफ करेंट। ओके, तो यहीं पे जो होता है हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आज इन गेडू केयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को आप क्लिक करें और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन मैथ प्लस साइंस एंड 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का भी लाभ उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।